हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लगता ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो हमारा एक ऑप्शन आता है पासवर्ड सिक्योरिटी, तो गाइस हमें उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, अनलॉक, फेस अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कई। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक पे क्लिक करना होगा और अपना जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है आपको वो डाल देना और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना फिंगर लगाना है, इस तरीके से अपने फिंगर को लगाना है और रिमूव करते रहना है। तो गाइस देखिए, जो हमारा फिंगर है वो ऐड हो चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन। तो हम नेक्स्ट डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस, जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है फिंगरप्रिंट वन, जैसे कि गाइस आप अपने फ़ोन पर फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका ऐड ए फिंगरप्रिंट, जैसे कि गाइस आप अपने घर में अपने किसी व्यक्ति का अपने फ़ोन में उसका फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।